मेरा आश्रम से बाहर जाना का था। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे 10 गेट से 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बन्नेगर क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहां से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। दो तीन बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तत्पश्चात उन्हें वापस पुनः महाकाल थाने में, जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ, उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए सब। फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। पश्चात पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुँह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। हमने कई बार उससे पूछने की चेष्टा करी कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। हमने उससे ये भी कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, किसी प्रकार कोई आपको डर नहीं है, अब आपका कोई बाल भी वाका यहाँ नहीं कर पाएगा। यदि आप अपना मोबाइल नंबर या माता पिता का मोबाइल नंबर कोई जानती हो तो आप यहाँ बिल्कुल निसंकोच होकर के नंबर बता सकती हो, किसी प्रकार का डर आपको नहीं है। लेकिन बालिका फिर भी भयभीत थी। जब 10-20 मिनट वह मेरे पास रही तो उसे मेरा विश्वास हुआ। जब भी कोई नया व्यक्ति गाड़ी के पास आता मेरी, तो वह बालिका उनसे बहुत भयभीत होकर के मेरी छाया में छिपने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही पुलिस प्रशासन का आना हुआ, प्रशासन ने उसकी मदद करके उसे अपने वाहन में बिठा करके वो लोग जो है यहाँ से चरक हॉस्पिटल उसे ले गए। अच्छा, आपको कहीं लगा कि वो जो है लड़की लड़की जो है उसके साथ मारपीट भी हुई है? आपने बताया सूजन की है। आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। मारपीट का तो मैंने उसको शरीर के ऊपर किसी प्रकार कोई दाग भी नहीं देखा, और ना मैंने शरीर के ऊपर कोई दृष्टि डाली। मेरा लक्ष्य सिर्फ उसकी मदद करने का था। मैंने उसे अपना वस्त्र, ऊपरी वस्त्र दिया नीचे उड़ने के लिए, नीचे पहनने के लिए। बाकी मैंने उसके शरीर पर किसी प्रकार का चोट का निशान नहीं देखा। आपने जब उसको पहली बार देखा, क्या वो बेहोश हो चुकी थी या फिर नहीं? मेरे पास बिल्कुल स्वस्थ थी, वो बोल भी रही थी, बातें भी कर रही थी। कहीं जाने के लिए बार बार किसी गांव का नाम, पूरी ऐसा उसे कुछ नाम बता रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था उसकी भाषा में कि वो किस क्षेत्र का नाम बता रही है। अच्छा, वो जब वो यहाँ इधर सामने से आती हुई दिखी, तो आपको लगा कि वो मदद मांग रही है इसलिए आप आगे आए हैं, या फिर वो अर्धनग्न दिखी इसलिए आप उसको मतलब मदद के लिए आगे? इसीलिए मैं आगे आया, मदद मांग रही। हाँ, बाकी उसने मुझसे कोई ऐसा नहीं कहा कि आप मेरे को मदद करिए। मैंने उसे कुछ पैसे, नकदी पैसे 150 रुपये भी दिए हाथ में, और फिर जो मुझे ऐसा लगा कि यह कहीं से है और भयभीत है। फिर मैंने प्रशासन से मानवता को एक्सप्लेन देखते हो। जी, अच्छा, ये जब कितनी बजे की बात होगी आपके पास यहाँ? ये सर करीब 9:30 बजे के आसपास की कहानी है, प्रातःकालीन परसों के दिन की। आपके फोन लगाने के कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पहुंची? 21 मिनट में। 20 मिनट उसके बाद वो सीधे उनको लेकर चले? सीधे उन्हें लेकर चले। उन्होंने मेरा आपका मेरा नाम आचार्य राहुल शर्मा।